स्वयं जाऊंगा, तनिक मैं भी तो देखूं कौन सी पूजा कर रहा है ये बालक मारकंडे। मेरी शक्ति को कोई चुनौती दे, वो भी एक तुच्छ बालक, कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। चलो उठो, मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। जाओ ऋषि मृकेंडु पुत्र, मारकंडे के प्राण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। नाथ, पूर्व में इस बालक के पिता ने अपना भाग्य परिवर्तित किया था, संतानहीन होना उनकी नियति थी, फिर भी उन्होंने इस पुत्र को प्राप्त किया और अब यह बालक अपने भाग्य को एक नवीन दिशा देकर ही रहेगा। ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् नित्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ऋषिपुत्र, हम यमलोक से आए हैं, यमराज के दूत हैं। तुम्हारी आयु समाप्त हुई, हम तुम्हारे प्राण हरने आए हैं। पृथ्वी पर तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब हमारे साथ शांतिपूर्वक चलो वरना बंदी बनाकर ले जाएंगे तुम्हें। तुम्हें पर्याप्त समय और चेतावनी दे चुके हैं हम, यदि शांतिपूर्वक नहीं चलोगे तो हम तुम्हें इस पाश से बांध कर यमलोक ले जाएंगे। राज के दूतों ने ऋषि मारकंडे पर अपना पाश फेंक दिया, तो क्या वो उन्हें बंदी बनाने में सफल हुए? क्या वो उन्हें यम लोक ले जाने में सफल हो गए माता? ऋषि मारकंडे तो यहाँ उपस्थित हैं, अर्थात गणेश के प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है। कहो कार्तिके, तुम्हारे अनुसार क्या है गणेश के प्रश्न का उत्तर? वो यमदूत क्या बालक मारकंडे को बंदी बनाने में सफल हुए होंगे? माता, ऋषि मारकंडे तो हम सभी के समक्ष हैं, जीवित खड़े हैं। तो क्या अर्थ समझूं इसका कि दोनों यमदूत मारकंडे के प्राण नहीं हर सके? तो क्या तुम्हारे अनुसार मेरे द्वारा उत्पन्न यमदूत अक्षम थे अपने कार्य का निर्वाह करने में? नहीं माता, मैं यमदूतों की क्षमता अथवा अक्षमता पर अपना मत व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। परिस्थिति के अनुसार उसके तर्क संगत परिणाम पर पहुंचने की चेष्टा भर कर रहा हूँ मैं। माता, ऋषि मारकंडेय जीवित हैं, अर्थात यमदूत असफल हुए, और अवश्य अवश्य इसमें भी आपकी ही कोई लीला होगी माता। उचित कहा तुमने कार्तिके, मेरी लीला की एक ऐसी अद्भुत कथा है जो किसी भी तर्क से परे,
किंतु जो तुम्हारी बुद्धि ने निष्कर्ष सुझाया वो भी उचित है। यमदूत शक्तिहीन और अयोग्य नहीं थे, किंतु वो फिर भी बालक मार्कंडेय को मृत्यु प्रदान करने में असमर्थ थे। ये कैसे हुआ माता? ऋषि पुत्र, तुम्हारा पाश बनाएगा तुम्हारे प्राणों को बंदी। यमदूत हैं हम, तुम्हारी आत्मा को अपने साथ अवश्य ही लेकर जाएंगे। आपने देखा ना, अपने पिता ऋषि मृकेंडु के समान बालक मार्कंडेय भी अपने भाग्य को एक नवीन दिशा देगा। वो सत्य हुआ, यमदूत उसके निकट भी नहीं आ सके, स्पर्श भी नहीं कर सके उसका। उमा, जन्म और मरण सृष्टि का शाश्वत सत्य है। सृष्टि के सत्य को असत्य में परिवर्तित करना, किसी को मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होना सहज नहीं, अत्यंत कठिन है, कदाचित असंभव ही है। इसलिए उसकी मिथ्या आस त्याग दो प्रिय। महादेव अपने भक्त की भक्ति को नकार देंगे, उसको उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा का उचित फल प्रदान नहीं करेंगे? अवश्य ये कोई असाधारण बालक है, इसकी रक्षा कोई दिव्य मायावी शक्ति कर रही है। हमें यथाशीघ्र ही धर्मराज यमराज को जाकर इसके बारे में सूचित करना चाहिए। नाथ, बालक मार्कंडेय इतनी श्रद्धा और भक्ति से आपके मंत्र का जाप कर रहा है, तो उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। उसे उसके संकट से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा ना स्वामी? मैं आपको मिथ्या आस नहीं दे सकता प्रिय। मृदुल, पूर्वी, उचित है। त्रयराज, उचित है। और मार्कंडेय, बालक मार्कंडेय का ही अंतिम नाम है आज की सूची में, कहां है उनके प्राण? मैंने कहा मार्कंडेय के प्राण कहाँ हैं? चित्रगुप्त जी महाराज, हम मार्कंडेय को लेने अवश्य गए थे, किंतु क्षमा कीजिए महाराज, हम उसे लाने में असमर्थ रहे।
असमर्थ रहे? उनका आज की सूची में नाम है, अर्थात उनका यहां यमलोक में आने का समय हो चुका है। क्या अर्थ है तुम्हारा? इसके जीवन का अंत आज नियत था, उसकी आत्मा लेकर आने में असमर्थ कैसे हो सकते हो तुम? प्रभु, जब हम वहां गए थे तो वो पूजा कर रहा था, फिर हमने ये कैसे हो सकता है? यदि मारकंडे की मृत्यु आज नियत है तो मेरे यमदूतों को उसकी आत्मा यमलोक लाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम भी इसी विश्वास के साथ वहां गए थे यमराज, किंतु हमारा वो पाश उसे बंधक बनाने में असमर्थ रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य शक्ति सुरक्षा कवच बनकर उसकी सुरक्षा कर रही है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यमदूत उस बालक के प्राण को इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि माता भैरवी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संतों ऋषियों की आत्माओं को लेने आपको स्वयं जाना चाहिए? मैं पूर्व भी आपसे ये निवेदन कर चुका हूँ, किंतु चित्रगुप्त जी, इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं। यदि प्रत्येक ऋषि और संत के प्राण हम स्वयं लेने जाएंगे तो यमलोक की व्यवस्था कौन संभालेगा? कोई भी शक्ति, साधारण हो या असाधारण, दिव्य हो या मायावी, मेरी शक्ति को काट कर मृत्यु को नहीं टाल सकती। आयु पूर्ण होने पर स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे अर्थात धर्मराज यमराज के कार्य में बाधा नहीं बन सकते। चित्रगुप्त जी, माता भैरवी ने कैसे अक्षम यमदूत दिए हमें? दो यमदूत एक 16 वर्षीय बालक के प्राण हरकर नहीं ला सके, धिक्कार है इन्हें। एक 16 वर्षीय तुच्छ बालक के प्राण लेने स्वयं यमराज को जाना होगा तो क्या लाभ है इन यमदूतों का? मैं स्वयं जाऊंगा, तनिक मैं भी तो देखूं कौन सी पूजा कर रहा है ये बालक मारकंडे। सब व्यर्थ है, मेरे समक्ष किसी पूजा का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। सृष्टि का नियम कोई भंग नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को कोई चुनौती दे, वो भी एक तुच्छ बालक, कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। माता, ये स्थिति तो बहुत विकट हो गई ना। एक और ऋषि मारकंडे अपनी नियति को परिवर्तित करने हेतु महादेव की पूजा कर रहे थे ताकि वो अपने माता पिता के प्रति अपने ऋण को चुका सके, और दूसरी ओर स्वयं आपने माता भैरवी के रूप में यमराज को आदेश दिया था कि किसी भी स्थिति में नियत समय आने पर किसी की मृत्यु नहीं टलनी चाहिए। सर्वथा उचित है गणेश का ये प्रश्न। ये तो स्वयं माता और पिताश्री की शक्तियों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसका क्या परिणाम हुआ होगा? माँ, इस दुविधा का क्या समाधान था? मृत्यु के नियम तो आपने ही निर्धारित किए थे और ऋषि मारकंडे उन्हीं नियमों को भंग करने के लिए पूजा कर रहे थे। मेरे मन में तो कोई दुविधा नहीं थी माता, मात्र भक्ति थी और विश्वास था कि भगवान कभी भी भक्त की सच्ची भक्ति को अस्वीकार नहीं करते।
गतिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्धमिव वन्दनामृत्तेर्मुक्तिमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्धमिव वन्दनामृत्तेर्मुक्तिमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्धमिव वन्दनामृत्तेर्मुक्तिमामृता मृत्यु के पास से कोई सुरक्षित नहीं, यही सृष्टि का नियम है। ये दिव्य बालक तेजवान दिख रहा है, किंतु मेरे समक्ष व्यर्थ है इसका तेज, व्यर्थ है इसका असाधारण होना, क्योंकि मुझे अपने काल को अपने समक्ष देख भय से कंपित हो उठेगा ये। ऋषि बालक चलो उठो, मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। इस बालक का इतना दुस्साहस मेरी अवहेलना कर रहा है, क्या इसे ज्ञात नहीं इसकी कोई युक्ति, इसका कोई उपाय इसे मुझसे रक्षित नहीं कर सकता। तुमने सुना नहीं बालक, अपनी मृत्यु से अपनी रक्षा करने की तुम्हारी ये युक्ति, तुम्हारी ये पूजा सब व्यर्थ है। चलो उठो और चलो मेरे साथ। मृत्यु के देवता का ऐसा अपमान, अभी इसका भयंकर परिणाम ज्ञात होगा इसे। समय आने पर प्राणी के प्राण हरने से कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। यमराज जी, मैं अपनी पूजा में इतना लीन था कि मुझे यहाँ आपकी उपस्थिति का भान ही नहीं हुआ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान, ये मैं कैसा आशीर्वाद दे रहा हूं इसे। बालक, बहुत चतुर प्रतीत होते हो तुम, मुझसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद लेकर मृत्यु से अपनी रक्षा करना चाहते हो, किंतु मैं यमराज मृत्यु ही प्रदान करता हूं जो तुम्हें भी दूंगा। चलो मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज जी, मुझे ज्ञात है आप मुझे मृत्यु देने आए हैं, किंतु मैं अभी अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। क्षमा कीजिए, तुम अपनी मृत्यु स्वीकार करने में असमर्थ हो तो कदाचित मुझे बाद में आना चाहिए, है ना? बालक, परिहास कर रहे हो, वो भी मेरे साथ।
अर्थात यमराज के साथ। यमराज के साथ मूर्ख बालक, अपनी मृत्यु कोई भी स्वीकार नहीं करता, किंतु मृत्यु किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करती। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं स्वयं लेने आया हूं तुम्हें, कि मैं स्वयं लेने आया हूं तुम्हें। अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और चलो मेरे साथ। यमराज जी, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूं, यदि मेरी मृत्यु हुई तो वे निपट अकेले रह जाएंगे। उनके पुत्र होने के नाते उनकी सेवा कर उनका ऋण चुकाने का दायित्व मुझे पूर्ण करना है। मुझे अपने लिए नहीं किंतु अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं अवश्य उनके पास लौटूंगा। ए बालक, मुझसे छुटकारा पाने की तुम्हारी ये युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। जब मृत्यु समक्ष होती है तो मनुष्य अनेक युक्तियां सोचता है, तब तुम तो क्या, मैं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की भी नहीं सुनता। सहस्त्रों चक्रवर्ती राजाओं के प्राण हर चुका हूं मैं, मुझसे कोई नहीं बच सका और ना ही बच सकेगा। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए यमराज जी। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनामृतेर्मुक्षीयमामृता। ए बालक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष है और तुम शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। क्या वास्तव में तुम्हें विश्वास है कि महादेव तुम्हारी मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं? स्वयं माता भैरवी ने मुझे मृत्यु का देवता नियुक्त किया है, वो भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम अपनी पूजा अधूरी छोड़ दो या पूरी करो, उससे कुछ नहीं होगा। अपने बनाए नियमों को भगवान भी भंग नहीं कर सकते। बालक, यदि मेरा अर्थात यमराज का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो तुम्हें ज्ञात है क्या हो सकता है? यमराज जी, मैं किसी भी प्रकार आपका अपमान करने का इच्छुक नहीं, किंतु आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर है। चंद्रशेखर 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 रक्षमां, चंद्रशेखर 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 पाहिमां, रत्नसानु शरासनं रजताश्री निकेतनं। स्वामी, आपका भक्त आज स्वर में आपको पुकार रहा है, आपसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। महादेव को अपनी रक्षा का मार्ग बनाना चाहता है ये, किंतु मृत्यु से इसकी रक्षा तो महादेव भी नहीं कर सकते। इसका इतना दुस्साहस, कह रहा है महादेव का आश्रय लेने वाले को मैं यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। ना, आपने मुझसे कहा था कि मैं मिथ्या आस ना रखूं, किंतु मेरी आस मिथ्या नहीं, विश्वास है मेरा। जब मार्कंडे उनमें अपना आश्रय ढूंढ रहा है जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान, जिन्होंने रत्न जड़ित पर्वत सुमेरु को अपना धनुष बनाया, जो रजत के पर्वत हिमालय पर वास करते हैं, जो नागराज वासुकी की डोरी को निहाथ में थामते हैं,
जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपना बाण बनाकर त्रिपुर का दाह किया। अर्थात जब मार्कंडे आपकी शरण में, तो मृत्यु के देवता यमराज उसे कोई क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? मम का करिष्यते वै यमः पपादप पुष्प गंध पदाम्बुज द्वय शोभितम् भानलोचन जात पावक दग्ध मन्मत्र विग्रहम् भस्म दिग्ध कलेवरम्। इसकी इस पूजा को यहीं रोककर अविलंब अपने साथ ले जाना चाहिए मुझे। मेरी आस तो अभी भी स्थिर है नाथ, क्योंकि मार्कंडे आप में अपना आश्रय ढूंढ रहा है। वो जिनके चरण कमल मंदारादि सुगंधित कपाल का वृक्षों के पंच पुष्पों से सुशोभित है, जिन्होंने अपने भाल में स्थित त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, जो स्वयं भस्म रमाए हुए, जो जीवन के समस्त दुखों का नाश करते, जब मार्कंडे स्वयं आपसे रक्षा की गुहार लगा रहा है, तो मृत्यु की देवता यमराज भी उन्हें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? बस बालक, बहुत हो गई तुम्हारी ये पूजा और बहुत हो गया तुम्हारे द्वारा महादेव का स्तुति गान। मेरा इतना अपमान, महादेव तुम्हारे रक्षक हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? यही है ना तुम्हारा प्रश्न? तो मैं अभी इसका उत्तर देता हूं। अभी दिखाता हूं तुम्हें कि मैं यमराज कितना शक्तिशाली हूं और क्या कर सकता हूं। ये पाश स्वयं माता भैरवी ने मुझे प्रदान किया था। ये यमपाश मृत्यु का पाश है और यही मृत्यु पाश तुम्हारे तन से तुम्हारे प्राण हर लेगा ऋषि बालक। और स्मरण रहे, इस मृत्यु पाश से किसी की रक्षा संभव नहीं है। महादेव, यमराज की मृत्यु पाश से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव, महादेव। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि। ये किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कर रहा है? कोई भी मंत्र उच्चारित कर लो तुम्हें मृत्यु से रक्षित कर ले, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है बालक। त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम्। मेरा यमपाश, उसे कोई क्षति कैसे पहुंच सकती है? इतना दुस्साहस यमराज का कि उन्होंने भक्त और भगवान दोनों पर अपना पाश चलाने का दुस्साहस किया। Thank you.
माता, अपने इस दिव्य अद्भुत रूप में माँ और पिताश्री ने अपने भक्तों को अभयदान देने के साथ क्या यमराज को भी दंडित किया? भगवान हो या साधारण व्यक्ति, उसे अपने पद और उसकी मर्यादा का ध्यान सदैव रखना चाहिए, अन्यथा दंड के भागी बन सकते हैं।